सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। एंड ओपन वर्ल्ड गेम खेलना किसको नहीं पसंद है। मतलब आप देख लो, मोस्ट ऑफ द जितने भी गेमर होते हैं या फिर जिनको भी गेम्स खेलना पसंद है ना, सब लोग जो है ना ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना तो ज़रूर पसंद करते हैं यार, क्योंकि उसमें हमको फ्रीडम मिलती है, जो करना है वो करो, जहाँ पर जाना है जाओ, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। इसकी वजह से जो है ना मुझे भी ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम बताने वाला हूँ मोबाइल डिवाइसेस पर। और ये गेम अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस गेम का नाम है कार ड्राइविंग ऑनलाइन और गेम का साइज़ है 416 MB। अब हाँ, आप लोग मुझे पहले कमेंट में गाली दे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, सिर्फ नाम में ऑनलाइन है, गेम ऑफलाइन में भी हमारा चलता है। बाकी चलिए अब गेम के अंदर में चलते हैं, मैं आपको गेम के बारे में मतलब बताता हूँ अच्छे ब्रीफ में। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो है ना गेम में इंटर कर चुका हूँ। हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। पर सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर मैं गेम को ऑफलाइन होकर ही प्ले कर रहा हूँ। ऐसे गेम में ऑनलाइन मोड है, आप चाहे तो ऑनलाइन होकर भी गेम को प्ले कर सकते हैं, पर मैं ऑफलाइन में ही प्ले कर रहा हूँ गेम को। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि इसको बनाया है मेलियो स्टूडियोज़ ने, मतलब उन्होंने ना क्या बोलते हैं, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम को भी बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक बस सिमुलेटर गेम है। इसकी वजह से एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स की तरफ से ये गेम है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें गेम में देखने को मिलेगी। नो डाउट गेम की ग्राफिक्स तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतनी हैवी ग्राफिक्स है ना कि अब उसको आगे बताऊँगा, पर यहाँ पर सब चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज UI उतना खास नहीं है, पर ठीक है चलेगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा, इधर में आपको जो है ना व्यू डिस्टेंस, रिजोल्यूशन, शेडोज, टेक्सचर कंट्रोल, ये सब देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इस वीडियो का टाइटल मुंबई गलीज लाइक मोबाइल गेम रखने वाला था, वो इसलिए क्योंकि ना अगर मैं यहाँ पर प्ले पर क्लिक करूँ ना, तो आपको पहले मोड आप देख लीजिए कौन कौन से, पार्किंग है, स्टंट है, रेसिंग है, सिंगल प्लेयर है और मल्टीप्लेयर है। तो मैं तो सिंगल प्लेयर पे ही क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली भी है, मतलब यार सही में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है यार, ऐसा मेरे को लगा था कि हाँ दिखा दो। तो चलो मैं इसी में आपको प्ले करके दिखाऊंगा गेम को। यहाँ पर और भी मैप है पर मेरे लॉक नहीं, मतलब अनलॉक नहीं है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब लिटरली में वन ऑफ द बेस्ट गेम, मैं आपको इसीलिए ऐसी नहीं बोल रहा था। अगर आप अभी भी चाहें ना तो गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर से ना मतलब एक तरीके से पूरा सिमुलेटर टाइप का गेम है, बट स्टिल बहुत अच्छा गेम है। यहाँ पर एक आपको यहाँ पर से आप अपने कंट्रोल्स को हाइड भी कर सकते हैं, जो कि शायद बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में भी ये वाला फीचर था। एंड अगर कैमरा एंगल की बात करूँ तो एक ये वाला हमारे पास में, एक ये है एंड ये वाला है, एंड ये भी पूरा वर्किंग वाला है। आप देख सकते हैं यार कार की डिटेलिंग, लिटरली में मैंने पूरी हाई ग्राफिक्स पर इसीलिए रखा है ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिले। एंड अगर मैं मैप की बात करूँ तो हमारा न्यू दिल्ली का मैप तो इतना बड़ा नहीं है, ऐसे सारे बहुत सारे मैप आप एक एक करके एक्सप्लोर कर लेना उसको। बाकी यहाँ पर से कैमरा एंगल हम चेंज करते हैं यहाँ पर। हाँ, आप इसको चाहे ना तो इस तरीके से कुछ ऐसे फ़ोटो वोटो लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, मैंने थंबनेल का बनाने के लिए। ये बहुत ईजी लगता है यार, ये होना चाहिए हर गेम में यूट्यूबर्स के लिए। बाकी जो भी है यहाँ पर मतलब गेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब आपको क्या क्या बताऊँ यार, बहुत कुछ है बताने के लिए तो यहाँ पर गेम में। एंड चलो थोड़ा बहुत मैप ही एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा वाइब तो डाली है इंडिया की, पर चेक करते हैं कितना फील देता हमको इंडिया का, क्योंकि इंडियन से तो थोड़ा सा क्या अपन बता पाएंगे। तो अभी है ना मेरे पास में कार भी उतनी सारी है नहीं, ऐसे गैरेज में मैंने कार ये सब तो आपको नहीं दिखाई है, बट कोई नहीं। वो एक्चुअली में क्या है ना, इन्होंने जो वाला गेम बनाया ना अपना बस सिमुलेटर इंडोनेशिया वाला, उसके ऊपर तो अभी कोइंसिडेंटली मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो डाली अपने सेकेंड चैनल पर। एंड ये वाला गेम ना उसी के मतलब टाइप का है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखना सिमिलर देखने को मिलेगी दोनों ही गेम में, बट जो भी है लिटरली में बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है। आप चाहे ना तो ऐसे ही फ्री टाइम में खेलना चाहे तो उसके लिए भी ये स्टंट, ये सब बहुत सारी चीज़ें गेम के अंदर में। अगर मैं सोच रहा हूँ और दो तीन वीडियो बना दूँ गेम के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब गेम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अभी कुछ दिनों पहले आया है तो अभी ज़्यादा गेम के डाउनलोड से नहीं है, पर हाँ लिख के ले लेना आप, ये गेम 50 मिलियन तो क्रॉस कर ही देगा। अभी नहीं करेगा, कुछ टाइम लगेंगे गेम को, पर कर देगा ये गेम क्योंकि वो बस सिमुलेटर वाले ने भी कर दिया था ना इसकी वजह से। हाँ थोड़ा बहुत ये बग्स एंड ग्लिचेस है, उतना भी अभी डिटेल में नहीं बनाया है, पर फिर भी कोई नहीं, अच्छा गेम है। अगर आप लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं ना एक न्यू ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम, देन आपको इस गेम को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम है ये। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।